हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉशरे में। दोस्तों, बिहार होमगार्ड परीक्षा 2020 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि एडमिट कार्ड इसका जो है आ गया है और बिहार होमगार्ड की जो परीक्षा आपकी 24 जनवरी 2021 से जो होने वाली है उसका यहाँ पे एडमिट कार्ड दे दिया है। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो है परीक्षा तिथि को लेकर और उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके जल्दी से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मैंने दे दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि आप जो है वह एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड जो है एडमिट कार्ड कर सकते हैं, तो वो सभी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। और जो कैंडिडेट का जो है वह अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, जो फॉर्म करते भरते वक्त जो आपको एक हार्ड कॉपी जो निकल के आया था प्रिंट करवाए थे, अगर वो नहीं मिल रहा तो आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, और कैसे आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं सभी प्रोसेस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको बता दूँ, ये जो मतलब एग्ज़ाम सेंटर है, परीक्षा जो तिथि है, जो आपका सेंटर दिया गया है वो आपके जो होम सेंटर पर है, ठीक है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट में ही, तो आपका जो वहाँ पे ये सबसे अच्छा जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए और अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि जैसे पिछले ही दिन जो है वह फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम हुई थी, उस पर कैंडिडेट तो जा तो चले तो किसी भी तरह गए, लेकिन आने की भी व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो मालगाड़ी पे चढ़ के या किसी तरह जो आए हैं उसके हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो बिहार होमगार्ड परीक्षा जो है आपके अपने शहर में ही लिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है और करीब जो 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही हो रहा है, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी खबर है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पा सकते हैं। तो आप जो है अपना वह मैसेज आया होगा इनबॉक्स में, आप लोग चेक करिएगा बिहार होमगार्ड परीक्षा के जो है वह जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको मैसेज गया होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर का वो आपको मिल जाएगा आपके जो है मोबाइल फ़ोन में, या आप ईमेल पे भी चेक कर सकते हैं, आपने ईमेल जो है दिया होगा ईमेल आईडी तो उस पर भी गया होगा। तो ये चीज़ जो है आप लोग देख लीजिएगा और आपको करीब जो है वहाँ पर वह करीब मैं बता दूँ 8 नंबर का जो है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, ठीक है। तो अब लेके चलते हैं मैं आपको आगे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, और वहाँ पे और सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, जो बिहार सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल है उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आपको यहाँ पे जो है आज ही के मतलब यानी कि कल ही के डेट में 1/1/2021 को ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई थी रात में। और इससे पहले मैं बता दूँ 22 दिसंबर 2020 को ही इसकी रिटर्न एग्ज़ाम की जो है डेट दी गई थी, तो मैंने इस पर जो है आपको बता दिया था 24 जो है वह दिसंबर को, तो आप लोग देख लीजिए वो भी वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बोला दे देंगे, मतलब दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस, डाउनलोड योर ई एडमिट कार्ड ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑन 24 जनवरी 2021 होम गार्ड कॉन्स्टेबल एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2020 की है। आप अब जो है आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे जो है क्लिक करते हो तो ओके यहाँ पे दबा देना और प्रोसेस हो के जो है आपको इस तरह की जो इंटरफेस आएगी यहाँ पे आपको लेके आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सभी वैसे जानकारी मिल जाएगी, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस है आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, और अगर जो है कैंडिडेट्स जो है वह यहाँ पे जो है आपको हेल्प डेस्क नंबर मिल जाएगा नोटिस, तो आप इसके जरिए भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल भी यहाँ पे दिया गया, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलता है तो आप जो है वह 10 तारीख से पहले यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा इस ईमेल जो है आईडी पे, मैसेज करके जो है अपना फ़ोन नंबर और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो सारी डिटेल दे के आप अपना जो है यहाँ पे वह सपोर्ट ले सकते हो 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के नीचे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि डाउनलोड 2/2020 रिटर्न एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, ठीक है, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह की जो है एक इंटरफेस और आएगा, उस पर आपको लेके आ जाएगा। तो आपको क्या क्या यहाँ पे डालना है, तो सबसे पहले जो है आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होगी 8 नंबर की, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया था अप्लाई करते समय वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ में जो डेट होता है वो, उसके बाद मंथ और यहाँ पे ईयर, ये डालने के बाद आप जो है यहाँ पे वह कैप्च लॉक, ये वाली जो कैप्च लॉक है वह आपको इस लाइन में जो है वह डालना है, सही डाल के यहाँ से सबमिट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। अब दोस्तों, मैंने सारा कुछ फिल करके यहाँ से जो है अब देख सकते हैं ये जो एरो दिख रहा होगा आपको, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए मैं कर रहा हूँ, सबमिट करता हूँ यहाँ पे। जैसे सबमिट करिएगा तो आपको यहाँ पे जो है इस तरह का जो है जो इंटरफेस आ जाएगा एक, और यहाँ पे वैसे सभी डिटेल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी है कैंडिडेट का वो मिल जाएगा,
और यहाँ पे आपको जो है सभी डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे सभी डिटेल है आज, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मैंने ये सारी डिटेल इनकी जो है हाइड कर रखी है, ठीक है। और देख सकते हैं फुल नेम, रोल नंबर, एग्ज़ाम सेंटर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, कैटेगरी जो भी कैटेगरी से हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वह जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये सभी डिटेल आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है, यानी कि ये आपको जो प्रूव कर दे रही है कि ये जो है आप ही का इक्वल लेटर है। उसके बाद आप जो है अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहें तो आप इस वाले बॉक्स पे जो है वो डाउनलोड जो है पे क्लिक करके, यानी कि डाउनलोड रिटेन एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पर जो है क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी करके दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह का जो है कैंडिडेट का आ जा रहा है, जैसे ही आप यहाँ पर आइएगा तो दो जो है वह देख सकते हैं फॉर्मेट में है, तो आपको जो है करीब पहले ही जो यहाँ पे पेज है उसी का ज़रूरत पड़ता है। और आप जो है अपना जो आपका मोबाइल है उसमें अगर सेव करने के लिए आप जो है ये वाले आइकन दिख रहा है आपको उस पर ऐसे करके क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप करते हैं तो इस तरह का जो आपको आ जाएगा, और यहाँ से जो है वह सेव के बटन पर जो है वह क्लिक करके आपको वो कर लेना है, ठीक है। तो मैंने वो सभी चीज़ जो है यहाँ पर कर दिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट का यहाँ पे निकल के आ चुका है। मैंने ये सभी चीज़ आपको हाइड करा है, आप लोग जो है यहाँ पे कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपका यहाँ पे है सिग्नेचर भी आ रहा है जो आपके OSD है यानी कि CSBC की उनका, और फोटो भी आ रहा है, सभी चीज़ें जो है वह जानकारी अच्छे से मिल रहा है। और परीक्षा जो है एक ही शिफ्ट में है, 2 घंटे का यहाँ पे जो है समय दिया गया है, ठीक है, जो आपका 10 बजे से सुबह से लेके जो है 12 बजे तक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको सभी जानकारी मिल गई अच्छे से, अगर कोई भी सवाल या सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसमें जो है सिलेबस क्या क्या जो पूछी जा रही है, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो चैनल पे जो है बने रहिएगा, आपको उस वो भी जो है खबर लग जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।